हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है बिजनेस मेंटर्स डॉट इन एंड प्लैप इंडिया डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल आई प्लैप ज्ञान में। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आप वो सारी वीडियो देख पाएँ जो आपके ज्ञान के लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। न्यू ईयर पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कह लीजिए गिफ्ट या रिलैक्सेशन दिया है उन कंपनीज या डायरेक्टर्स के लिए जो डिसक्वालीफाइड हो गई थी। ये स्कीम 29/12/2017 को लाई गई है, जिसका नाम दिया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ डिले स्कीम। इस स्कीम को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये स्कीम क्यों लाई गई, किसके लिए लाई गई और कौन से बंदे या कंपनीज इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और कौन सी कंपनी इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आएगी। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कीम क्यों लाई गई। हम सब जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 लाई गई थी, जो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 से लागू हो गई थी, जिसके अंदर एक सेक्शन प्रोवाइड की गई थी, सेक्शन 167, जिसके अंदर डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कहा गया था। वो सेक्शन 167 प्रोवाइड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट बाय अ कंपनी इन फाइलिंग एन एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। जो कंपनीज की रिटर्न्स 3 साल लगातार नहीं गई है, इन्होंने फाइल नहीं की है, तो उन कंपनीज को अंडर 167 के अंतर्गत लाया गया और उनके डायरेक्टर्स डिफॉल्ट हो गए। सो ड्यू टू सेक्शन 167 MCA इन सितंबर 2017 आइडेंटिफाइड 309,614 डायरेक्टर एसोसिएटेड विथ द कंपनी that had failed to file financial statements or annual returns in the MCA 21 online registry for a continuous period of financial year 2013-14 to 2015-16 in terms of the provision section 164 subsection 2 with respect to 167(1)(a) of the act, and they were barred from the accessing the online registry, and a list of such director was published on the website of MCA. As a result of above section, there have been a spate of representation from the industry, defaulting companies and their director seeking an opportunity for the defaulting company to become complaint and normalized operation. September 2014 में 309,614 director जो company के साथ associated थे, जिनकी returns annual returns MCA को 2000 फाइनेंशियल ईयर 2013 से 2016 तक की नहीं मिली थी, उनको मिनिस्ट्री ने आइडेंटिफाई किया और सभी डायरेक्टरों को डिसक्वालीफाइड कर दिया गया और डिसक्वालिफिकेशन के वजह से उनके डिन नंबर डीएक्टिवेट कर दिए गए, जिसकी वजह से उन कंपनियों में जो डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे वो अब किसी भी किसी जो अगर वो डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में भी अगर डायरेक्टरशिप पे थे जो कंपनियों ने अपनी रिटर्न फाइल की थी, उन कंपनियों को भी प्रॉब्लम होने लगी और एक रिप्रेजेंटेशन अराइज हुई मिनिस्ट्री में और इवन कोर्ट में भी वो कंपनीज गई कि हमारे डायरेक्टर्स को हमें प्रॉब्लम हो रही है, डायरेक्टर्स से हमें कंपनी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें एक अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि ये सारी कंपनियां और डायरेक्टर्स अपनी फाइलिंग को कंप्लीट करें। So, with a view to giving an opportunity for the non-compliant defaulting company to rectify the default, in exercise of the power conferred under Section 403, 459 and 460 of the Companies Act 2013, the central government has decided to introduce a scheme, namely Condonation of Delay Scheme 2018, CODS 2018. Jab रिप्रेजेंटेशन हुई कंपनीज की तरफ से, हाई कोर्ट में भी केस किया, तो मिनिस्ट्री ने एक अपॉर्चुनिटी दी डायरेक्टर्स को
अपने पावर्स कंपनीज एक्ट ने अपने सेक्शंस के थ्रू पावर्स जनरेट किए और एक स्कीम लेके आए, जिस स्कीम का नाम हम कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले स्कीम 2018 कहते हैं। तो आइए चलिए हम स्कीम के बारे में जानते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस स्कीम, दिस स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल डिफॉल्टिंग कंपनीज अदर देन द कंपनी विच हैव बीन स्ट्रक ऑफ और हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 2485 ऑफ द एक्ट। A defaulting company is permitted to file its overdue document, which were due for the filing till 30th June 2017, in accordance with the provision of this scheme. So, अब हम इस स्कीम के बारे में जानते हैं कि इस स्कीम का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं और इस स्कीम का पर्पस क्या है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को दो कैटेगरी में बांटा है, जिसके तहत आप अपनी डिफॉल्ट कंपनीज को रिटर्न्स फाइल करके डायरेक्टर्स के डेन दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। सो फर्स्ट केस वो है जिस केस में कंपनीज हुज नेम हैव नॉट बीन रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, मीन्स जिन कंपनियों के नेम स्टॉक ऑफ या रिमूव नहीं कर दिए गए हैं रजिस्टर में से, उन कंपनियों के लिए ये स्कीम कैसे है। तो पहला पॉइंट है कि डिन ऑफ कंसर्न डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर डी एक्टिवेटेड एट द प्रेजेंट शैल बी टेम्पररीली एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द वैलिडिटी ऑफ द स्कीम टू एनेबल देम टू फाइल द ओवरड्यू डॉक्यूमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो गए थे उनके डिन को डीएक्टिवेट कर दिया गया था, तो मिनिस्ट्री इस स्कीम के ड्यूरेशन के दौरान उन डायरेक्टर्स के डिन को दोबारा से एक्टिवेट करेगी, जो कि उन्होंने टेम्पररीली बेस पे होंगे, ताकि वो अपने ओवरड्यू डॉक्यूमेंट उस डिन नंबर को के तहत फाइल कर सकें। अब सेकेंड पॉइंट, द डिफॉल्टिंग कंपनी शैल फाइल द ओवरड्यू डॉक्यूमेंट इन द रिस्पेक्टिव प्रेस्क्राइब्ड ई फॉर्म पेइंग द स्टैच्युटरी फाइलिंग फीस एंड द एडिशनल फीस पेबल एज पर द सेक्शन 403 ऑफ द एक्ट रेट विद द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल 2014 फॉर द फाइलिंग दिस ओवरड्यू डॉक्यूमेंट। अब जब आप डॉक्यूमेंट फाइल करोगे तो अपने जो भी आपके ओवरड्यू डॉक्यूमेंट हैं, ओवर डॉक्यूमेंट मीन्स मिनिस्ट्री ने एक लिस्ट दी हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट आप फाइल कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जो फॉर्म मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किए हैं अर्लियर, जैसे कि जानते हैं OC4 MJT7 वगैरह जो भी फॉर्म जाते थे, उन फॉर्म्स को आप जैसे पहले फाइल करते थे जो आपकी एक्टिव कंपनियां थी, उस वैसे ही आप इन कंपनियों का भी आप फाइल करोगे, ठीक है। और जो फीस मिनिस्ट्री ने प्रिस्क्राइब करी गई है उन कंपनियों के लिए, वो फीस प्लस एडिशनल फीस, एडिशनल फीस का ये मतलब नहीं है कि मिनिस्ट्री कोई एक्स्ट्रा पैसा ले रही है इन फॉर्म्स को फाइल करने के लिए, एडिशनल फीस जो सेक्शन टू रूल 2014 के सेक्शन 403 में दी गई है कि एडिशनल फीस बाय डेज काउंट जो होती थी, वो एडिशनल फीस प्लस आपकी नॉर्मल फाइलिंग फीस के साथ आप फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। डिफॉल्टिंग कंपनी, नाउ थर्ड पॉइंट, द डिफॉल्टिंग कंपनी आफ्टर फाइलिंग डॉक्यूमेंट अंडर दिस स्कीम शैल सीक कंटिन्यूएशन ऑफ डिले बाय फाइलिंग फॉर्म ई CODS अटैच्ड टू दिस स्कीम online on the MCA21 portal. The fee for filing application e-form CODS is 30,000. अब मिनिस्ट्री ऐसा भी नहीं है कि आपने डिफॉल्ट कर लिया और रह गए और फिर दोबारा से स्कीम आई आपने अवेल कर लिया, तो मिनिस्ट्री ने कहा कि ठीक है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी स्कीम लेके आए हैं, तो आपके साथ हम एडिशनल पेनल्टी एडिशनल फीस लेंगे ही लेंगे आपकी लेट फाइलिंग फीस, साथ साथ में आपको एक ई फॉर्म भरना है, ठीक है, जिसका नाम ECODS होएगा, ठीक है। इस ई फॉर्म को जब आप भरोगे अपनी सारी फाइलिंग कंप्लीट करने के बाद, तो ही आपकी कंपनी दोबारा से एक्टिव की जाएगी। अब ई फॉर्म फाइल करने का मिनिस्ट्री आपसे चार्ज जो लेगी, जो फीस लेगी वो 30,000 रुपीज़ लेगी, 30,000 रुपये। अब जो दूसरी कैटेगरी थी जिसके अंदर उन कंपनियों का नाम है जो कि डिफॉल्ट की कैटेगरी में है या कंपनियों के नेम रिमूव कर दिए गए हैं, उन्होंने अपनी पिटीशन डाली है NCLT में, तो इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्टिंग कंपनीज हुज नेम हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 248 ऑफ द एक्ट एंड विच हैव फाइल्ड एप्लीकेशन फॉर द रिवाइवल अंडर सेक्शन 252 ऑफ द एक्ट अप टू द डेट ऑफ दिस स्कीम
the directors then shall be reactivated only NCLT order of revival subjected to the company having filing of all overdue document. Means जो डिफॉल्ट कंपनियों के नेम रिमूव्ड कर दिए गए थे रजिस्टर ऑफ द कंपनीज से, ठीक है, तो उन कंपनियों ने को ये स्कीम लागू नहीं होगी क्योंकि उनके केसेस एनसीएलटी में पेंडिंग है और वो कंपनी तभी फाइल कर पाएंगी जब एनसीएलटी अपनी ऑर्डर जारी करे उन कंपनियों के लिए रिवाइवल के लिए, उसके बाद ही वो कंपनी अपनी ओवरड्यू डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हैं। अब ये स्कीम किस किन कंपनियों पे नहीं लागू होगी और कौन से फॉर्म नहीं एप्लीकेबल होंगे, कौन से फॉर्म फाइलिंग के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस स्कीम शैल नॉट अप्लाई टू द फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट अदर देन द फॉलोइंग ओवरड्यू डॉक्यूमेंट। मीन्स जो ये लिस्ट दी गई है यही फॉर्म्स आप फाइल कर सकते हैं इस स्कीम के तहत और अपने अदर फॉर्म नहीं फाइल कर पाएंगे। जैसे कि लिस्ट वन में दी गई है आपकी फॉर्म नंबर 22B MGT 7 फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न बाय ए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, फॉर्म नंबर 21A MGT 7 पार्टिकल ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फॉर्म नंबर 23AC ACA AC AC, ये पुराने फॉर्म्स हैं, ये सारे ACA XBRL AOC 4 नए फॉर्म्स हैं, AOC 4 FCFS AOC 4 XBRL AOC 4 नॉन XBRL फॉर्म्स फॉर फाइलिंग बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फॉर्म नंबर 66 फॉर सबमिशन ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट विद द रजिस्ट्रार एंड फॉर्म नंबर 23 और ADT 1 जो कि ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स के लिए होता है। तो ये फॉर्म्स सारे आप फाइल कर पाओगे, इसके अलावा आप कोई फॉर्म फाइल नहीं कर पाएंगे इस स्कीम के तहत। द रजिस्ट्रार ऑफ कंसर्न शैल विथड्रॉ द प्रोसिक्यूशन पेंडिंग इफ एनी बिफोर द कंसर्न कोर्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फाइल अंडर द स्कीम, हाउ एवर दिस स्कीम इज विदाउट प्रायोरिटाइज टू एक्शन अंडर सेक्शन 162 ऑफ द एक्ट और सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटीज इफ एनी ऑफ सच डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड दे रिमेन डिस्क्वालिफाइड। अब पॉइंट नंबर 6 का मतलब ये है कि मिनिस्ट्री सारे अपने प्रोसीजर जो पेंडिंग होंगे, ठीक है, उन डायरेक्टर के खिलाफ जिन्होंने फाइल किए हैं, जैसे कि पहले भी आया था कि कंपनी जो भी डिफॉल्ट कर दी गई है उनके डायरेक्टर, तो मिनिस्ट्री विल स्टार्ट द प्रोसिक्यूशन। तो उन अगर वो अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर लेते हैं, ठीक है, ओवर डॉक्यूमेंट, तो उनकी प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ कर दिया जाएगा। अब विड्रॉ होने के बाद लेकिन ये स्कीम उन डायरेक्टरों को पे लागू नहीं होगी जिनके अगेंस्ट सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, अब या सच डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर ड्यूरिंग देयर रिमेन, जिनके ऊपर भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटीज है उनके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी और वे डायरेक्टर अभी भी डिस्क्वालिफाइड ही रहेंगे। ये द ई फॉर्म CODSA 2018 वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 28 फरवरी 2018 और एज अंटरनेट डेट विच विल बी इंटीमेटेड बाय द मिनिस्ट्री। जो ये फॉर्म है CODSA के अंदर आपको 30,000 रुपीज की फीस पे करनी है आफ्टर फाइलिंग ऑल द ओवरड्यू डॉक्यूमेंट, वो आप 20 फरवरी 2018 के बाद फाइल कर पाएंगे क्योंकि मिनिस्ट्री बी ए फॉर्म 20 फरवरी 2018 के बाद ही अवेलेबल करा पाएगी, या हो सकता है उसके एक दो दिन बाद भी हो सके। तो ये दोस्तों इस स्कीम का फायदा उठाइए और अपनी सभी कंपनियां जो डिफॉल्ट हो चुकी है या डिफॉल्ट की कैटेगरी में है और उनके डायरेक्टर डिफॉल्ट हो गए हैं और उनकी डिन नंबर एक्टिवेट किए, या आपके लिए सुनहरा मौका है कि आप उन कंपनियों को दोबारा से रिवाइव कर पाए। अगर आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा पाए तो शायद ही इन फ्यूचर मिनिस्ट्री दोबारा से स्कीम लेके आए, और जो कंपनी इन स्कीम का फायदा नहीं उठा पाएगी वो अभी रिमेन डिफॉल्ट रहेगी और उन कंपनियों के डायरेक्टर रिमेन डिफॉल्ट में ही रहेंगे। दोस्तों मिनिस्ट्री ने जो फॉर्म्स प्रेस्क्राइब किया है ECUDS इसके बारे में बता रहे थे, जिसकी फीस 30,000 रुपीज रखी है मिनिस्ट्री ने, उसकी एक झलक आपको दिखलाते हैं जो कि मिनिस्ट्री 20 फरवरी 2018 के बाद लेके आएगी। सबसे पहले तो किस रजिस्ट्रार का के अंतर्गत आता है वो सिलेक्ट करना है, फिर कंपनी के सिन नंबर्स ये डिटेल्स वगैरह डालेंगे, प्रीफिल करेंगे, उसके बाद कंपनी की डिटेल आएगी, जो फॉर्म्स हमने फाइल किए हैं उसके SRN नंबर, फॉर्म नंबर, कौन सा फॉर्म है, डेट ऑफ फाइलिंग्स वगैरह सारा यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, इसके लिए एक SRN डालोगे, प्रीफिल करेंगे, ये सारे की डिटेल आती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये है अगर आपने कोई फाइल अपील वगैरह की है, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, ये सबसे सेलेक्ट करने हैं, फिर अपने सारे प्रूफ डालने हैं,
ठीक है, उसके बाद आपको रिजोल्यूशन पास करके साइन करके ये फॉर्म्स आपको सबमिट कराना है मिनिस्ट्री में।